गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और अभी सुबह सुबह का टाइम हम ना कल रात में बहुत ज्यादा लेट सोए थे यहाँ पर ना एक डॉग है जिसने पपीज दिए हैं फाइव और सिक्स छोटे छोटे से जो पपीज है ना वो रात भर रो रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और ठंड का भी मौसम है बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा रो रहे थे तो हम फाइंड आउट कर रहे थे की वो पपीज कहाँ पर है लगभग साढ़े बारह बजा था शायद तो मेरे हस्बैंड छाता और टॉर्च लेके गए थे कि अगर पपीज दिख जाएंगे तो वो उसे उठा के कोई सेफ जगह पे रख देंगे बट इतना ढूंढने के बाद भी पपीज़ नहीं मिल रहे थे उनकी सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी और मैं आपको बताती हूँ कि अभी सुबह सुबह ही पता चला है कि डॉग्स ने पपीज़ कहाँ पर दिए हैं मैं आपको दिखाती हूँ तो गाइज आप देख सकते हो कि गैलरी का हाल कैसा हो गया है बारिश के कारण तो गाइज जो झाड़ी नजर आ रही है ना जहाँ पे मेरी फिंगर है तो वहीं पर कोने पे डॉग्स ने पपीज दिए हैं तो गाइज ये मॉर्निंग की क्लिप है जब मैं सो के उठी थी तो मैंने देखा कि वहां पर दो लोग खड़े हुए हैं एंड उन्होंने ही बताया कि वहां पे छह पपीस हैं उन्होंने सारे पपीज़ को उठाकर कर वहाँ पर कुछ बिछा के उन्हें सेफ तरीके से रख दिया ताकि उनके ऊपर पानी जाए भी ना और ज़मीन के कारण भी उनको बिल्कुल भी ठंड ना लगे अब करना है मुझे बहुत सारे काम मुझे झाड़ू पोछा करना है बर्तन भी धोना है रात के क्योंकि मैं शाम को नहीं धो पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसलिए मैंने अपना रूटीन बनाया है कि मैं दिन में ही बर्तन धो दिया करूँ गाइस बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ पहले जाके मैं बर्तन धोती हूँ देन मैं झाड़ू पोछा करूंगी तो गाइज़ यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रीन कलर की बॉटल्स लेके आई थी तो वो भी मैंने यूज़ करने के लिए बाहर निकाल लिए हैं झाड़ू पोछा भी हो चुका है और अब आप देख सकते हो कि फ्लोर कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं ख़त्म अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं तैयार आप देख सकते हो कि मैंने चोटी भी कर ली है अब मुझे लग गई थी बहुत ही जोरों की भूख तो सबसे पहले तो मैंने चाय बनने को रख दिया है और चाय बनते तक के मैं खा रही हूँ यहाँ पर चूड़ा चूड़ा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जब तक ये चूड़ा पूरा ख़त्म ना हो जाता तब तक के मैं डेली चूड़ा खाती हूँ मुझे मेरे हाथों का बनाया हुआ चूड़ा बहुत अच्छा लगता है और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि आ, मेरा कोई टाइम नहीं होता चूड़ा खाने का कि मैं सिर्फ सुबह या शाम को खाऊं मुझे जब भी भूख लगती है या खाना बनाते बनाते भी मुझे कुछ खाने का मन होता है तो मैं चूड़ा ही खा लेती हूं चाय नाश्ता करने के बाद अब बनाने लगी हूं मैं अपनी सब्जी और मैंने आज बनाई है सोयाबीन की सब्ज़ी जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है और गाइस किसको किसको पसंद है आम पापड़ क्योंकि हम जब बचपन में इसे खाते थे तो हम तो आम पापड़ ही बोलते थे लेकिन इसे आम कतली भी कहते हैं मुझे बहुत अच्छे से याद है इसे हम एक रुपए का एक लिया करते थे और इसका एक एक लेयर निकाल के हम खाया करते थे मुझे लगता है कि हर किसी ने अपने टाइम में आम पापड़ को ऐसे ही खाया होगा लेकिन सच में एक साथ खाने से जो मज़ा नहीं आता वो एक एक लेयर तोड़ के खाने से आता है आई होप कि आप लोगों को ये आम पापड़ और आम पापड़ की लेयर्स जरूर याद होगी कि आपने कैसे खाया था तो गाइज अभी हो रहा है रात के दस बजे का टाइम और दुर्ग में आज मौसम थोड़ा साफ हो चुका है मतलब जो इतना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था तो आज दोपहर से ही जो बादल है वो साफ हो चुके हैं और बादल साफ होने की वजह से आज ठंडी भी थोड़ी कम लग रही है तो गाइज आज का ब्लॉग में यही बैंड करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तो प्लीज डो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इज ब्लॉग बाय